करनाल केंद्रीय में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने करनाल से लाडवा की ओर जाने वाली मुख्य मार्ग को अब लाडवा तक 4 लाइन बनाने की घोषणा की है। इस क्षेत्र के लोगों के लिए यह बहुत बड़ी सौगात है। पहले यह मार्ग करनाल से इंद्री खंड के गांव खानपुर तक ही 4 लाइन बनाया जा रहा था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्हें बहुत ही खुशी हो रही है कि यहाँ पर एक अति सुंदर नगर पालिका के भवन का निर्माण किया जा रहा है। अब इंद्री विधानसभा क्षेत्र में करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भव्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व नगर पालिका भवन का निर्माण किया गया है, जिसमें नवनिर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर 2 करोड़ 19 लाख और नगर पालिका कार्यालय भवन पर 2 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत आई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में नगर पालिका के भवन व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बनाने की घोषणा की गई थी और अब बहुत ही सुंदर भवन व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका भवन में एक हिस्सा व्यावसायिक रूप से बनाया गया है, जिससे नगर पालिका की आमदनी तो होगी ही और इस आमदनी से छोटे छोटे खर्चों की पूर्ति भी की जा सकेगी। सरकार ऐसे प्रोजेक्टों को की घोषणा कर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में पैसे की कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड-19 के कारण विकास कार्य रुक गए थे, लेकिन अब सभी विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप के कार्यालय का उद्घाटन भी किया। इंद्री से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। इस विशेष ध्यान इस तरफ क्या दिया जा रहा है, आगे कोई योजना इस तरह की? देखिए, आप समझिए, करनाल से लेकर और यहाँ तक की सड़क 4 लेन हो गए। अब आज ये बाकी बची थी 4 लेन हो गए। जिस जगह हम खड़े करें, खड़े 4.5 करोड़ रुपये इसका हमने लगाया है। नगर पालिका के सारे काम नगर पालिका कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के अंदर जितना पैसा हमको चाहिए उतना भेजा है, कोई कमी नहीं छोड़ी है और आगे भी छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी ने आज उद्घाटन किया है और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ वहाँ ग्रीवेंसीज थी लोगों की, वो सुनी है और उनका निवारण किया है। और उसके बाद इंद्री में आते हुए रंबा गांव गए थे और वहाँ जाकर वहाँ उनके रंबा के जो सचिवालय है और अपना आयुष केंद्र है, उसका भी मुख्यमंत्री जी ने निरीक्षण किया। और उसके बाद यहाँ इंद्री में नगर पालिका में आए और नगर पालिका का जो लगभग 4 करोड़ की लागत से नई नगर पालिका का भवन बना है, उसका भी निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री जी ने फिर हमारे जो यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राम कुमार कश्यप जी हैं, उनके निवास स्थान पर गए और वहाँ भी चाय का कार्यक्रम था और वहाँ जो कार्यकर्ता बैठे थे उनसे रूबरू हुए। तो काफ़ी समय से महिला कॉलेज की मांग चल रही थी इंद्री के बारे, उसके बारे में बताइए। देखिए, पिछले 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पिछले 5 वर्ष यहाँ के जो पूर्व विधायक और थे वो आदरणीय श्री कर्णदेव काम्बोज जी, वो मंत्री थे और उन्होंने भी अपने कार्यकाल में बहुत विकास कार्य कराए हैं। और अब भी जो हमारे राम कुमार जी जो विधायक हैं यहाँ से, वो भी बहुत कार्य कर रहे हैं। और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जो इंद्री के और अपना लाडवा के बीच में एक सड़क थी, उसमें भी लगभग 7-8 करोड़ रुपए का खर्च आना था, जो 4 लेन होनी थी उसकी भी मंजूरी दे दी है। तो विकास की जहाँ तक बात करें, तो चाहे सड़कों की बात हो, चाहे यहाँ पे हॉस्पिटल्स की बात हो, शिक्षा की बात हो और चाहे आम जो जन सुविधाएँ हैं, तो पिछले 6 साल में जितनी हुई है मेरे ख्याल में उतनी पहले कभी नहीं हुई। तो आज चाय का प्रोग्राम था, समझेंगे यहाँ पर इसके लिए। ये हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे भाई हैं, हम अपने भाइयों के साथ चाय पीने आए हैं। इन्होंने चाय के लिए निमंत्रण किया, ये तो हमारा घर है, अपने घर में चाय पीने के आए, जब मर्जी आए जी यार, जब मर्जी हमारे कार्यकर्ता हमारे भाई लोग। केंद्रीय पहलवानों को उनकी ये मांग थी, उन्हें खाने के लिए और जो सरकार की योजनाएं उनका लाभ नहीं मिल पा रहा, उसके लिए उन्होंने ज्ञापन उनको भी दिया, उन्हें मांग पत्र भी दिया, उसको लेकर क्या कहेंगे? जो पहलवानों की मांग थी, उस मांग के लिए भी जो भी आगे की जो कार्रवाई उस पर बनेगी या जो भी उस पर उचित होगा वो उस पर जरूर की जाएगी। शुभारंभ करने के लिए आए थे, उसका निर्माण आज आना था, उसके संपर्क में आज मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया था, भी आप जब करनाल आ रहे हैं
तो आप हमारे हल्के इंद्री में भी आइए। इस कड़ी में आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर इंद्री हल्के में आए, इससे पहले रंबा में आए, उसके बाद उन्होंने जो है नगर पालिका की बिल्डिंग बनी है, अच्छी बिल्डिंग बनी है, उसका उनका विजिट किया, उसके बाद यहाँ पर जलपान कड़ी में यहाँ पर पहुँचे थे। मैं और उसके बाद एक मुझे बड़ी खुशी, आज जो ये खानपुर से आके लाडवा को सड़क जा रही है उसका फोर लेने का काम रुका हुआ था, आज मुख्यमंत्री जी अपने मुख से उसकी घोषणा भी करके गए हैं, इससे जो है हमारे इंद्री हलका को और लाडवा हलकों को बहुत बड़ी मतलब जो है सौगात मिलने जा रही है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि इसके अलावा भी कोई और घोषणा इंद्री हलके को की गई है कोई नहीं हटके विश्वास दिला के गए हैं, अभी जो है विकास के कामों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, पैसे में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, तो सारा विश्वास दिला के जाए गए हैं। और बाकी ये थे उनका एक जैसे जलपान का प्रोग्राम था, कोई हलके का प्रोग्राम जब होगा तो बढ़िया घोषणा मुख्यमंत्री से और उनसे मांग रख के घोषणा कराएंगे। थैंक यू जी, धन्यवाद सर। मैं सभी कार्यकर्ताओं को अपने ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.